तो हेलो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्लास आपकी हो चुकी है लाइव और संडे स्पेशल में जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि आ, मैं संडे स्पेशल में आप लोगों के लिए यूपी का करेंट अफेयर्स लेकर के आऊंगा और मैं मैराथन करंट अफेयर्स भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का लेकिन आज की जो क्लास होगी वो काफी स्पेशल होगी जैसा कि आप थंबनेल आपने देखा होगा यूपी स्पेशल स्पेशल उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे और आप सभी जानते हैं यूपी के सभी परीक्षाओं के लिए यूपी का करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट होता है जैसे यूपी का स्टैटिक जीके आप लोग पढ़ते हो करंट अफेयर यूपी का बहुत कम लोग पढ़ते हैं तो उसी क्रम में मैंने एक सेशन क्रिएट किया है आप लोगों के लिए और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपकी सभी यूपी से रिलेटेड परीक्षाओं में आप यूपी पीसीएस चौबीस को टारगेट कर रहे हैं जो ग्यारह फरवरी का है आपको इसके अलावा यूपी से रिलेटेड जो भी यूपी पुलिस के एग्जाम होंगे के एग्जाम होंगे या आने वाले भविष्य में जो भी पेपर होंगे यूपी यूपी पुलिस के यूपी से रिलेटेड तो वो आपके लिए सेशन होगा यूपी जीके का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जनवरी से अक्टूबर का और इस क्लास को लेकर के आ रहा हूं मैं अविनाश वर्मा जैसा कि आप सभी जानते हैं तो क्लास में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे मुझे बताएंगे मेरी ऑडियो वीडियो एक बार क्लियर है और जितने भी लोग जुड़ चुके हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जितने लोग क्लास को बाद में देखेंगे आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है क्लास में देखे जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इन क्वेश्चंस के उत्तर आप लोग जरूर याद कर लेना क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ही टेक्निकली रूप से क्वेश्चन को लिए गए हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन को याद कर लेना आंसर को याद कर लेना क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आप लोग पढ़ते नहीं हो है ना ये कहीं मिलता नहीं है करंट अफेयर्स है तो इसको आपको याद करना पड़ेगा ठीक है चलो स्टार्ट करें क्लास को वेरी गुड इवनिंग सीमा तेवतिया जी गुड इवनिंग मनु जी अपु जी रूपेश कुमारी जी जितने भी लोग लो आ चुके आयुषी अशोक आकाश जी अमन जी मनीषा जी जितने भी लोग आ चुके हो आपका स्वागत है गुड इवनिंग सभी को नमस्कार ठीक है तो आ, स्टार्ट करेंगे सेशन को ये क्लास यूपी के सभी परीक्षाओं के लिए है ठीक है ना जितने भी यूपी के एग्जाम आप देने जा रहे हो और स्पेशली आर ओ आर ओ और पीसीएस के लिए है ठीक है जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं स्पेशली तौर पर तो जैसा कि आप देख पा रहे हो चले स्टार्ट करें क्लियर है सब कुछ जय महाकाल भाई ज्योति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलिए अब बिल्कुल आपको ध्यान से क्वेश्चंस को करना है ठीक है ना बहुत ज्यादा यहाँ पे पहले बता दूं कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं नहीं करने वाला ठीक है क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है तो आज हम लोग इस क्लास को मैं दो पार्ट में कराऊंगा है ना आज हम लोग लगभग मान के चलिए आप लोग हम लोग सौ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज ठीक है तो एक्सप्लेनेशन नहीं होगा बस आपको आंसर पे टिक करना है ठीक है ध्यान रखेंगे जहां जरूरत होगी वहां मैं एक्सप्लेन कर दूंगा चलिए पहला क्वेश्चन क्वेश्चन से पहले आप सभी को जो है इंफॉर्मेशन जैसा कि मैं डेली देता हूं आप सभी को कि जो भी बच्चे नए जुड़े हैं क्लास में जो भी बच्चे नए हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है आपको क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी क्लास का नोटिफिकेशन नोट जो भी आपको जितनी भी चीजें जरूरत है वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा तो ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा वहां से भी ज्वाइन कर लेना आप लोग ठीक है इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं आपके कोई भी डाउट हो कोई पर्सनल क्वेरी हो तो आप

कृषि सर्वेक्षण कराया जाएगा तो याद रखना है पहले तो आपको उत्तर प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप साही जी ने जो उत्तर प्रदेश में जो कृषि होगी एग्रीकल्चर होगी जैसे रबी की फसल है जायद की फसल है, है ना तो किस स्टेट के तर्ज पे हम लोग जो है काम करेंगे यूपी में तो ये स्टेट होगा आपका कर्नाटक कर्नाटक ये याद रखना है आपको ठीक है सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा कर्नाटक ठीक है तो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ये घोषणा की है है ना किस स्टेट की तर्ज पे तो कर्नाटक की तर्ज पे ये याद रखना है सबको ठीक है ना चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सूर्य प्रताप शाही दिखा देता हूं यह है उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है एंड क्वेश्चन है आपका जनवरी दो में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने ये उत्तर प्रदेश के जो है मंडलायुक्त बेसिकली जनवरी 2023 में थे कौशल राज शर्मा ने घोषणा की कि अब यूपी के किस शहर में दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को रोपवे की सुविधा प्रदान की जाएगी देखिए रोपवे की बात हो रही है उत्तर प्रदेश के किस जिले में रोपवे की शुरुआत हो रही है तो आपको बताना चाहूंगा मैं ये रोपवे क्या है ये रोपवे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ठीक है और ये शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में कहां पे शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में ये शुरू हुआ है तो ये आपको याद रखना है वाराणसी ठीक है वाराणसी आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा याद रखना ठीक है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर तो आप लोग बस याद करो मेरे साथ क्वेश्चंस को याद करते चलो ठीक है ये आपकी अच्छी तैयारी होगी ध्यान रखना यूपी के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे चलो तो ये होगा आपका बनारस बिल्कुल ठीक उत्तर है रोप की बात हो रही है यहाँ पे ठीक है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना मैं साइड में हूं ताकि आप पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर पाओ ठीक है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रमुख दीपक कुमार दीपक कुमार की घोषणा के अनुसार जनवरी 2023 से राज्य बोर्ड ने शहरी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में निजी स्कूल खोलने के लिए कितनी जमीन होना अनिवार्य कर दिया है यानी सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि अगर किसी को प्राइवेट स्कूल खोलना है शहरी क्षेत्रों में अर्बन एरियाज में यहां पर देखिए प्रॉपर लिखा हुआ है कि अर्बन एरियाज में अगर किसी को प्राइवेट स्कूल खोलना है तो कितनी जमीन होनी जरूरी है तो ये तीन हजार होना जरूरी है ठीक है कितनी जमीन होनी जरूरी है तो थ्री थाउजेंड स्क्वायर मीटर या तीन हजार वर्ग मीटर आपके पास जमीन होनी चाहिए तब आप शहरी क्षेत्रों में जो है आप एक प्राइवेट स्कूल ओपन कर सकते हैं ठीक है लेकिन यही बात अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में बोले अगर हम यही बात अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर लगभग छह हजार स्क्वायर मीटर हो जाएगा ठीक है अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आप स्कूल खोलते हो प्राइवेट स्कूल तो आपको सिक्स थाउजेंड मीटर की जमीन चाहिए होता है लेकिन हम बात करें अगर शहरी क्षेत्रों में तो वो हो जाएगा आपका थ्री थाउजेंड मीटर इज द करेक्ट उत्तर ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया मनु शेरावत जी ठीक है आप लोग बस अपने उत्तर को चेक करिए है ना और आप खुद को देखिए कितना आता है और जितना मैं बता रहा हूं उसको याद करते चलना ठीक है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जनवरी 2023 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है देखो भाई जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों की यानी मनरेगा आप सभी जानते हैं ठीक है मनरेगा श्रमिकों की हंड्रेड उपस्थिति ऐप के माध्यम से की जाएगी मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ठीक है यानी आपको मनरेगा के बारे में बताना है जो एक स्कीम है भारत सरकार की एक स्कीम है मनरेगा जो सभी राज्यों में चलाई जाती है जहां पे जो है एक तरह से रोजगार देने की व्यवस्था है गांव के लोगों को तो उससे रिलेटेड क्या कथन सत्य है ये बताना है तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मनरेगा अब जो होगा डिजिटलाइजेशन मतलब कि ऐप के माध्यम से जो है उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी लोगों की तो पढ़ते स्टेटमेंट यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर ठीक है ना चलो तो प्रदेश में मनरेगा कार्यो में पारदर्शिता के लिए अब नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा बिल्कुल सही है ठीक है यानी कि अब ऐप के माध्यम से जितने भी मनरेगा श्रमिक हैं उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड की जाएगी तो बिल्कुल ठीक है मनरेगा भारत में क्रियान्वित एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे राज्य में सितंबर दो पांच में विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था बिल्कुल यह बात भी सही है आपको बता दू कि मनरेगा जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा से उत्तर प्रदेश की विधानसभा से मनरेगा जो है वो सितंबर 2005 में अधिनियमित हुआ था ठीक है सितंबर 2005 में अधिनियमित हुआ था लेकिन लागू कब हुआ था लागू अगर आपसे पूछे कब हुआ था तो लागू 2006 में हुआ था ठीक है ये याद रखना आपको लागू 2006 में हुआ था अधिनियमित विधानसभा से सितंबर 2005 में हुआ था तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है ठीक है तीसरा स्टेटमेंट है कि, आ, दो अक्टूबर दो हजार नौ को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया बिल्कुल ठीक है ठीक है पहले ये नरेगा के नाम से था बाद में दो में इसका नाम कर दिया गया मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट क्लियर है तो मनरेगा कर दिया गया था यह भी ठीक है यह भी ठीक है यानी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो यहां पे क्या हो जाएगा ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट ठीक है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सभी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है बिल्कुल सारे कथन सही क्लियर क्लियर सबको याद करते चलना है ना क्वेश्चन ज्यादा है तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ध्यान रखना सभी लोग ठीक है ये है उत्तर प्रदेश के आपके डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है फरवरी 2023 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में गौशालाओं को चलाने के लिए देखो गौशालाओं पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी काफी जोर देते हैं तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए गौशालाओं को चलाने के लिए एक आत्मनिर्भर मॉडल विकसित करने पर जोर दिया है और इसे वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाने के लिए किसे जोड़ने का आह्वान किया है, है ना यानी कि क्या हम इसमें जोड़ेंगे जिसमें कि

बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बस एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ जो बच्चे यूपी की तैयारी कर रहे हैं यूपी से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनका सपना है यूपी के एग्जाम को क्रैक करना चाहे वो पीसीएस हो आरओ आर हो चाहे पुलिस हो एक बार उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करें आप लोग ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई देखो मैं पहले बता दूं क्वेश्चन का जो लेवल है बिल्कुल उसी तरीके का है जो आपके पेपर में आता है है ना ये बच्चों वाला उल्लू पुल्लू वाला क्वेश्चन नहीं है ध्यान रखना सब लोग ठीक है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फरवरी 2023 में एनटीपीसी ने एनटीपीसी ने यूपी के निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया की पहली वाणिज्यिक हरित कोयला परियोजना शुरू की जो नगर कचरे से पोरिफाइड चारकोल का उत्पादन करेगी देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है मतलब बेसिकली बात किसकी हो रही है ग्रीन चारकोल की बात हो रही है यहां पर बात किसकी हो रही है ग्रीन चारकोल की हो रही है है ना तो ये एनटीपीसी ने शुरू किया है उत्तर प्रदेश के किस जिले से तो यस आपको याद रखना है बनारस से वाराणसी से ठीक है आपको याद रखना है वाराणसी में जो है ये शुरू हो रहा है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मुंसिपल वेस्ट है जो यहाँ पर लगाया जा रहा है किसके द्वारा तो ये लगाया जा रहा आपका है आपका एनटीपीसी के द्वारा ठीक है एनटीपीसी के द्वारा बनारस इज द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई ये एनटीपीसी क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बताइए जरा अगला सवाल यहां पर है कि आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी नदी यात्रा एमवी गंगा विलास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है को याद रखना भाई इंपॉर्टेंट है ये ठीक है एम बी गंगा विलास के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है आपको ठीक है आप सभी जानते हैं कि जो है इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था तो इसके बारे में पढ़ते हैं दो स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को बनारस से क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ये बात बिल्कुल ठीक है बनारस से इन्होंने जो है इस क्रूज को जो है वो हरी झंडी दे रवाना किया तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा यह दुनिया में एक ही नदी जहाज द्वारा भारत और बांग्लादेश के चार राज्यों में 27 नदी प्रणालियों के माध्यम से 50 दिनों से अधिक की सबसे लंबी नदी यात्रा थी तो क्या ये सही है यह गलत हो जाएगा ठीक है यह गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा क्योंकि यह भारत और बांग्लादेश नहीं होगा यह क्या होगा ये जो एम गंगा <coughs> ये जो एम गंगा विलास प्रोजेक्ट है इसकी जो शुरुआत है वो वाराणसी से वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच हो रहा है डिब्रूगढ़ के बीच हो रहा है ठीक बत्तीस सौ किलोमीटर की यात्रा है ये कितने बत्तीस सौ किलोमीटर की ये यात्रा है ठीक है वाराणसी से वाराणसी में गंगा नदी वाराणसी में गंगा नदी और असम में डिब्रूगढ़ जो है वहां से इसको कनेक्ट किया जा रहा है और बेसिकली बेसिकली ये आपका डिब्रूगढ़ कहां पर है असम है ये डिब्रूगढ़ कहां पर है असम में है यानी कि एक तरह से उत्तर प्रदेश से असम को कनेक्ट कर रहा है लगभग बत्तीस किलोमीटर ये क्रूज के द्वारा जो है जो एम बी है, आपका ये प्रोजेक्ट है क्रूज के माध्यम से जो है ये यात्रा की गई है तो यहाँ पर चार राज्य नहीं पहली बार तो चार नहीं है पांच राज्य होगा यहाँ पर फाइव से होगा, कौन कौन से यूपी होगा ठीक है झारखंड है फिर आपका यूपी झारखंड के बाद आपका आ, ये यूपी झारखंड बिहार ठीक है फिर आपका ये आपका वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल और फिर आपका है असम ठीक है? है है ये पांच स्टेट ना चार स्टेट नहीं ये पांच स्टेट होगा यहां पर ठीक है तो ये भी बात आपको याद रखनी है तो ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा कौन सा स्टेटमेंट यहां पर पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है तो केवल एक सही होगा केवल एक सही होगा ठीक है कोई दिक्कत यहां पर ओनली वन मनु सहरावत जी बिल्कुल ठीक है यहां पर समझ गए सब लोग चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं है ना यहां पर देख लीजिए रूट भी प्रॉपर ये मैप में आप लोग देख लेना पहले बता रहा हूं ये पीडीएफ शेयर करूंगा ये देख लेना सब लोग अच्छे से ठीक है तो यहाँ पर देख लीजिएगा <laughs> रूट क्या क्या है तो आप देखेंगे बनारस से जो है इसकी शुरुआत हुई है बनारस से जाएगा ये पटना मतलब कि बिहार ठीक है फिर आपका ये झारखंड में जाएगा झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बाद फाइनली असम में आपका ये इंटर करेगा ठीक है तो ये आपका पांच स्टेट हो जाएगा तो ये ध्यान रखना आपको पूरी की पूरी जानकारी यहां पर एकदम से समाहित कर दी गई है क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन को याद करते चलो दोस्तों ठीक है सर स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए एक्चुअली व्हाइट में थोड़ा सा ब्राइटनेस में दिक्कत होती है तो आप लोग अपने की की साथ थोड़ा साइट में थोड़ा सा दिक्कत होती है ठीक है तो इसलिए आप दो चीज कर लो अपने स्क्रीन की जो है ब्राइटनेस बढ़ा लो और अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लो ठीक है आप उसको सात जो है उसमें कर लो जो क्वालिटी आती है ठीक है चलो इन जनवरी 2023 हजार तेईस द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर गेव इन प्रिंसिपल चलो हिंदी में पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए क्योंकि यूपी वाले बच्चे ज्यादातर हिंदी वाले हैं जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस संस्थान में देश का पहला स्पाइनल इंजरी सेंटर खोलने की सैद्धांतिक सहमति दी है चलो एक बात बता दे रहा हूं आपको जब भी कोई मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में पूछे यूपी से रिलेटेड ध्यान रखना याद कराने के लिए बता रहा हूं ताकि तत्काल में आप लोग को याद रहे है ना पेपर तक याद रहे है ना मेरा काम है कि आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाए ठीक है तो याद रखना ऐसा क्वेश्चन अगर सामने आए तो आपको ना जो है बीएचय टिक कर देना सब लोग ठीक है यहां पर ज्यादातर काम जो हुआ है वो बनारस के जो बी है वहां पर देखने को मिला है ठीक है ना तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बीएचयू ट्रामा सेंटर बनारस में जो है ये आपका रिहेबिलेशन सेंटर खुला है जो देश का आपका पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलेशन सेंटर है कहां पर बीएचयू के बनारस के ट्रामा सेंटर में ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना ठीक है भाई ठीक है ज्योति जी ठीक है इतना तो एडजस्टेबल कर लोगे आप लोग है ना व्हाइट में थोड़ा सा दिक्कत होता है ठीक है चलो इतना एडजस्ट कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो आप लोग है ना आप लोगों के लिए पूरा पिक्चर वगैरह सब लगा रखा है ताकि आप चीजों को अच्छे से कर पाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जनवरी 2023 में 28 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश के किस शहर में ट्रांसपोर्ट नगर का जो है उद्घाटन किया गया क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो एक बार है ना मैं कह कह रहा हूं आपको कैसे याद होगा आप सोचोगे सर कैसे याद करें एक बार मेरे साथ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उत्तर कर लो ठीक है फिर एक बार पीडीएफ से पढ़ लेना ठीक है आपका जनवरी से अक्टूबर एकदम से क्लियर हो जाएगा है ना तो टेंशन मत लेना सब लोग ठीक है कहां पे किया गया है ये किया गया अलीगढ़ में कहां पर अलीगढ़ में याद रखना भाई ट्रांसपोर्ट नगर है ना ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की गई है अलीगढ़ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहां पर आप देखिए अलीगढ़ की बात हो रही है इस तरीके से बिड मीटिंग हुई थी और यहां पर यह हुआ था आपका ठीक है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 2023 में पीएम मोदी ने जनवरी 2023 में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के 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 माध्यम से यूपी के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 दूसरे चरण का उद्घाटन किया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ठीक है ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोदी जी ने उद्घाटन किया था आपका जो है सांसद खेल महाकुंभ किस जिले में उत्तर प्रदेश के तो ये बस्ती जिला हो जाएगा क्या हो जाएगा बस्ती जिला हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है ये बस्ती जिला ठीक है तो जो सांसद खेल महाकुंभ का जो शुभारंभ है वो बस्ती से किया गया था और मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया था ठीक है ना याद रखेंगे आप लोग अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग पीएम फेज ऑफ सांसद खेल महाकुंभ दो हजार ठीक है ना ये आप देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार के समाजवादी पार्टी सरकार के यश भारती पुरस्कार की तर्ज पर अब प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2023 में की गई घोषणा के अनुसार देश और प्रदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली शख्सियतों को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा ठीक है कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा तो बेसिकली आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जब पहले समाजवादी पार्टी सरकार थी है है ना ना तो उन्होंने एक पुरस्कार पुरस्कार शुरू किया था दैट इज यस भारतीय अब इसी की तर्ज पे योगी सरकार ने एक नया पुरस्कार शुरू किया है जो आपको याद रखना है कौन सा पुरस्कार तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा ठीक है आप देख पा रहे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ठीक है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान शुरू किया है यूपी गवर्नमेंट ने जो है ये क्या करेंगे कि जो कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में है कृषि के क्षेत्र में है ना उन लोगों को क्या करेंगे ये लोग अवार्ड देंगे पुरस्कृत करेंगे ऐसे लोगों को सम्मानित करेंगे ठीक है तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आपका वो आराम से याद रखना है आपका उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान हो जाएगा ठीक है ना उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान हो जाएगा बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा है ना तो ये भारती पुरस्कार के ही तर्ज पे जो है जो समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया और अपना जो इन्होंने नाम चेंज करके इन्होंने कर दिया उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ये याद रखना है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ठीक है ना यूपी का है ये ठीक है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर आप देख पा रहे हो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन भाई हाँ जी बिल्कुल मनोज जी यूपी गौरव सम्मान है वेरी गुड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जनवरी 2023 में अंडमान और निकोबार के द्वीपों का नाम उत्तर प्रदेश के चार परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया था इन चार विजेताओं में से कौन जो है अभी वर्तमान में जीवित है ठीक है ना ये क्वेश्चन है यहां पर आपको याद रखना है देखो जनवरी 2023 में क्या हुआ था अंडमान में जो वहां पे आईलैंड अंडमान में जो द्वीप है वो परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर वहां के द्वीपों के नाम रख दिए गए थे ठीक है उनमें उत्तर प्रदेश के चार ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के चार ऐसे शख्सियत है जिनको परमवीर चक्र मिला है और उनके नाम पर जो है जो है अंडमान में द्वीपों के नाम रखे गए हैं उनमें से कौन ऐसा है जो अभी जीवित है वर्तमान में तो वो है हमारे कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ठीक है कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव आपको याद रखना है ये वर्तमान में जीवित है और ये जो तीन नाम आप देख पा रहे हो ये भी है उत्तर प्रदेश से है ना यहाँ पे मास्टर हबिलदर वीर अब्दुल हमीद ये भी आपके उत्तर प्रदेश के हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है इनके नाम पर भी अंडमान में जो है वो रखा गया है नाम ठीक है नायक जादुनाथ सिंह इनके नाम पर भी अंडमान में द्वीप का नाम रखा गया है ये भी उत्तर प्रदेश से है और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ये भी आपके उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन ये तीनों लोगों की डेथ हो गई है जिंदा कौन है तो कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ये जिंदा है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ठीक है ये नाम याद रखना आप लोग है ना ये आप देख पा रहे हैं फोटो कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी ठीक है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई कि जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के उद्घाटन पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रतिभाओं को किस क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए लक्ष्मण और लक्ष्मी बाई पुरस्कार से सम्मानित किया है है ना यह याद रखना आपको लक्ष्मण और लक्ष्मी बाई पुरस्कार से सम्मानित किया है तो ये कौन से फील्ड से है भाई तो ये स्पोर्ट्स होगा यहाँ पर ठीक है खेल के क्षेत्र से जो है यह सम्मान किया गया है ना जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने मिलकर के ये सम्मान दिया है पुरस्कार का नाम क्या है लक्ष्मण और लक्ष्मी बाई पुरस्कार नाम याद रखना या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि लक्ष्मण और लक्ष्मी बाई पुरस्कार किस खेल से संबंधित है तो मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है है ना तो खेल के पुरस्कार से संबंधित है क्लियर है भाई बिल्कुल रुपेश बहुत बढ़िया ठीक है खेल से होगा चलिए तो यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है देख सकते हैं ये आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है और ये आई अधिकारी हैं जो आ, आ, इनका नाम है सुहास एलवाई ठीक है ये आई अधिकारी हैं नोएडा के डीएम रह चुके हैं ये सुहास एलवाई नाम है और काफी फेमस व्यक्ति हैं ये ठीक है चलो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ एक लिस्ट लगा रखा है आप लोगों के लिए जो अवार्ड मिला है जिन जिन पर्सनालिटीज को उसकी मैंने एक लिस्ट लगा रखी है चाहे तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं अभी ने या इस पीडीएफ में इसको पढ़ लेना ठीक है सारे नाम मैंने लिख रखे हैं जो रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है है ना रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किन किन को मिला है ठीक है लक्ष्मण अवार्ड किन किन को मिला है तो ये लिस्ट आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा ठीक है इसको पढ़ लेना सब लोग ठीक है चलो ये पढ़ लेना आप लोग चलो बताओ अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है और काफी देखो आप देख पा रहे हो क्वेश्चन का लेवल क्या है है ना सारे स्टेटमेंट स्टेटमेंट बेस्ड बेस्ड ज्यादातर मैंने क्वेश्चंस रखे हैं क्वेश्चन रखने का मेरा मकसद बस ये था कि आपको नंबर ऑफ आप क्वेश्चंस ज्यादा मिल जाएंगे है ना आपकी तैयारी ज्यादा हो जाएगी समझ रहे हो ना इसलिए मैंने क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है ये है ना पच्चीस जनवरी दो को क्वेश्चन पढ़ो आप लोग चलो 25 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति ने वर्ष 2023 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पदम पुरस्कार की घोषणा की तो बेसिकली पदम पुरस्कारों से रिलेटेड ये क्वेश्चन क्वेश्चन है 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 जो जनवरी 2023 में राष्ट्रपति जी ने घोषणा की उससे रिलेटेड पर तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि दो पुरस्कार 2023 के संबंध में उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यूपी का जीके तो हम याद करेंगे कि यूपी से रिलेटेड कौन सा कथन है है ना चलो समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को नागरिक मामलों में उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है ये बिल्कुल ठीक है ठीक है ना ये बिल्कुल ठीक है कि जो मुलायम सिंह यादव जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया है ना उत्तर प्रदेश के तीन बार के मुख्यमंत्री तो इनको मरणो प्रांत जो है पद्म विभूषण अवार्ड मिला है ये बात बिल्कुल ठीक है है ना उत्तर प्रदेश में कुल सात हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है बिल्कुल ठीक है है ना उत्तर प्रदेश के कुल 7 ऐसे हस्ती हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है बिल्कुल ठीक है एंड तीसरा है यूपी के राधाचरण गुप्ता और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है तो यह भी ठीक है 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 ना ये तीनों स्टेटमेंट जो वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है रिलेटे जो है पद्मश्री पुरस्कारों में सही है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सारे स्टेटमेंट क्या है वो बिल्कुल सही है याद रखना ये देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मेरा कराने का यही मकसद है है ना हो सकता हो आपके पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड ना आए वन लाइनर क्वेश्चन आए आर ओ में है ना तो आपको फायदा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट आप पढ़ के जा रहे हो ठीक है ना चलो याद रखना सब लोग है ना याद रखना नेक्स्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं पदम ऑनर लिस्ट है ये पद्म विभूषण की लिस्ट है ये जो पद्म विभूषण मिला है तो उसकी एक लिस्ट है मुलायम सिंह यादव आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जिनको पद्म विभूषण मिला है मरणोपरांत ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में नया विधान भवन बनाया जाएगा वर्तमान विधायिका से संबंधित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें ठीक है ये आपका पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर भी हो गया और पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो गया तो आपको बता दू जैसे कि नया संसद भवन आपका दिल्ली में बना है लोकसभा राज्यसभा के लिए उसी तरीके से सेंट्रल विस्टा के ही तर्ज पर जो है एक नया विधान भवन बन रहा है कहां पर तो लखनऊ में ही बनेगा जाहिर सी बात है लखनऊ में ही बनेगा विधान जो भवन है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है ठीक है तो पहला है कि इसकी नींव जो है पंद्रह दिसंबर उन्नीस को तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर बटलर ने रखी थी यह बात बिल्कुल ठीक है है याद रखना सब लोग ठीक ठीक यह बिल्कुल बात है इसके मुख्य वास्तुकार सर स्विंटन जैकब और हीरा सिंह थे यह भी बात बिल्कुल ठीक है तो दोनों स्टेटमेंट सही है उत्तर प्रदेश विधान भवन के मामले में ठीक है तो हमारा यहां पे बोथ वन एंड टू जो है वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है दोनों कथन जो है वो बिल्कुल ठीक है याद रखना तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तर्ज पे लखनऊ में भी बनाया जाएगा ये लखनऊ में बनेगा नया विधान भवन ठीक है ना याद रखना लखनऊ में बनेगा ये ठीक है ना अगला क्वेश्चन फरवरी 2023 में फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के बलिया के चितबड़ा गांव में ठीक है उत्तर प्रदेश के बलिया के चितबड़ा गांव में पैंसठ करोड़ रुपए के निवेश के साथ सात राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया भाई ठीक है तो राजमार्ग का उद्घाटन कौन करेगा भाई जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं वही तो उद्घाटन करेंगे और कौन है राजमार्ग मंत्रालय के मिनिस्टर एक तरह से आप सभी जानते हैं नितिन गडकरी जी हैं इसके मंत्री है ना नितिन गडकरी जी हैं मंत्री आप सभी जानते हैं तो आराम से टिक कर देना कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई क्लियर है सबको बताओ भाई बहुत बढ़िया तो जितने लोग बिल्कुल क्लास में लगे हुए हैं बिल्कुल अपना एकदम एफर्ट जितनी भी टाइम क्लास चले हिलना मत और ये समझो बैठे बैठे जनवरी से अक्टूबर का करंट अफेयर हिला लोगे आप लोग ठीक है चलो अगला सवाल जल्दी से करेंगे अगला सवाल जल्दी से करेंगे है ना ये पिक्चर याद रखना है ठीक है नितिन गडकरी जी यहाँ पर खड़े हैं चलो एक मिनट <laughs> ठीक है यूपी का न्यू नेटवर्क एक्सप्रेस वे तो आप सभी जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो एक्सप्रेस वे वगैरह है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग देख लेना ये मैं आपको करेंट अफेयर करा रहा हूं मैं आपको यूपी का पूरा स्टैटिक जीके कराऊंगा जितने यूपी के आपके टॉपिक्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश की जलवायु उत्तर प्रदेश की कृषि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य सब मैं टॉपिक वाइज भी आप लोगों को कराऊंगा वो स्टैटिक जीके का पोर्शन होगा टेंशन नहीं लेना है अभी करंट अफेयर का हम लोग ध्यान दे रहे हैं ठीक है ना चलो ये पूरा यूपी का आप देख पा रहे हो क्या क्या चीजें जो एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसके बारे में पूरा जानकारी जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कितनी है, कहां से कहां तक है ठीक है गंगा एक्सप्रेस वे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे पूरा एक्सप्रेस वे मैंने एक ही पेज पर लिख दिया है इसको पढ़ लेना पीडीएफ में ठीक है आपके लिए पूरी जानकारी यहां पर मिल जाएगी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने G20 के लिए किस जी ट्वेंटी है, है तो बैठक से हुई थी और <coughs> उत्तर प्रदेश में भी चार शहरों में आयोजित की गई थी है ना तो यहां पे सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ ने जी ट्वेंटी बैठक के लिए जो है किस शहर से डीजी वैन को हरी झंडी दिखाई तो मैं आपको अगर डीजी वैन को दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आपने देखा था कुछ इस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने इस डीजी वैन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था ठीक है तो सवाल बस यही है कि कहाँ से तो बेसिकली उत्तर प्रदेश की राजधानी से ही किया था ये है ना लखनऊ से जो है इसका एक तरह से हरी झंडी दिखाकर इन्होंने रवाना किया था है ना? और ये डीजी वैन जो है जो डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने का काम करेगी ठीक है ना इस तरीके की बात थी यहाँ पर क्लियर है क्लियर है चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहे हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई फरवरी 2023 में ठीक है जनवरी का करंट अफेयर कंप्लीट करा दिया हूं अब फरवरी पे आ गए हम लोग ठीक है ना फरवरी 2023 में एस जे वी एन एल ठीक है ये क्या लिखा हुआ है यहां पे देखो तो एस जे वी एन एल ठीक है ने निमलिखित में से किस शहर में सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया मतलब बेसिकली उत्तर प्रदेश में सौर संयंत्र की स्थापना जो है वो किस जिले में की जाएगी तो बेसिकली यही सवाल है कि किस यूपी में सोलर प्लांट जो है वो कहां पर बनाया जा रहा है सोलर प्लांट ठीक है तो ये बात है आपका बिल्कुल कानपुर आपका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर में ये याद रखना आपको ठीक है याद रखना आपको कानपुर में जो है सौर पैनल का जो है गठन हो रहा है या बनाया जा रहा है आप इस तरीके से देख पा रहे हो ठीक है सोलर पैनल इन कानपुर है ना याद रखना मन में याद रखना सोलर आ, सोलर पैनल इन कानपुर उत्तर प्रदेश में ठीक है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के बारे में कथनों विचार करें ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम आप सभी ने ये जानते हो ठीक है यह पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो गया ठीक है पॉलिटी का भी बीच बीच में क्वेश्चन है तो यह ध्यान रखना आप लोग ठीक है ना चलो बताओ बताओ जल्दी से <laughs> सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के बारे में ठीक है तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं क्या यह सही है ये बिल्कुल गलत है भाई पहला स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोलेजियम सा समझ लो कोलेजियम सिस्टम जो भारत में आया था उन्नीस में आया था ठीक है और इसमें कोलेजियम सिस्टम में कौन होते हैं एक सीजेआई होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होता है और इसमें चार अदर जजेज होते हैं चार अदर जजेस होते हैं ठीक है ये कोलेजियम टोटल पांच लोग होते हैं टोटल पांच लोग होते हैं। मुख्य न्यायाधीश को लेकर के पांच लोग होते हैं टोटल एक होता है मुख्य न्यायाधीश और चार होते हैं अदर जजेस तो वन प्लस फोर दैट मीन फाइव होते हैं ठीक है ये मैंने आपको बताया तो यहां पे क्या लिखा है इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं ये गलत हो गया क्योंकि पांच नहीं यहाँ पर चार होना चाहिए था तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया दूसरा है को, आ, कोलेजियम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों बनने के लिए अधिवक्ताओं के नाम का उल्लेख कर सकता है बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोलेजियम सिस्टम क्या होता है कि जो भी नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे उनका ये नाम देते हैं या इसके अलावा जो कोई नया जज किसी को बनाना है तो ये ये लोग ही मिल करके एक नाम डिसाइड करते हैं कि ये होगा जज ये होंगे मुख्य न्यायाधीश ठीक है तो इनका काम ये होता है तो बेसिकली ठीक है ये है ना कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण मतलब कि ट्रांसफर नियुक्ति या पदोन्नति के संबंध में अपना निर्णय सार्वजनिक करता है तो बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है भारत सरकार ने कोलेजियम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना के लिए जो है मंजूरी दी थी जिसको रद्द कर दिया गया है हालांकि ठीक है ये भी ठीक है है ना

और बेसिकली अब इसको रद्द कर दिया गया इस संशोधन को खत्म कर दिया गया है है ना तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल यहां पर सही है तो पहला गलत है बाकी दो तीन चार सही है और हमें बताना था सही उत्तर बताना था तो दो तीन चार करेक्ट हो जाएगा ठीक है समझ रहे हो बी ऑप्शन ज्योति जी बहुत बढ़िया ठीक है तो देखो ये क्वेश्चन का लेवल आप देख पा रहे हो है ना ये बहुत अच्छे क्वेश्चन लेवल है आपकी तैयारी को बस मजबूत करेगा अगर आपकी तैयारी अच्छी है चल रही है तो निश्चित रूप से यहां से आप बेहतरीन अपनी तैयारी को जारी रख सकते हो ठीक है चलो भाई देख सकते हो पांच जजों की पैनल होती है कोलेजियम में पांच जजों का पैनल होता है पांच जज यहां पर देख रहे हैं आपको ठीक है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है है ना और क्वेश्चन है कि फरवरी में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ठीक है कब फरवरी में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन्वेस्टर समिट का मतलब होता है कि बाहर से लोग आते हैं दूसरे देशों से कि यूपी में इन्वेस्ट करना है भाई। है भाई ना हर 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 गवर्नमेंट चाहती है स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि भाई उसके वहां इन्वेस्टर्स आए और पैसा इन्वेस्ट करें उससे क्या होगा रोजगार बढ़ेगा ठीक है देखते हैं क्या है भाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के संबंध में सही कथन बताना है पहला स्टेटमेंट है कि तीन दिवसीय यूपी जीआईएस 2023 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया बिल्कुल ठीक है भाई ठीक है सिंगापुर सिंगापुर के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आध्यात्मिक और पर्यावरण पर्यटन के लिए उन्तीस हजार करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया बिल्कुल किया भाई सिंगापुर सिंगापुर जो है वो काफी ज्यादा पैसे जो है यूपी में इन्वेस्ट कर रही है इस बात को याद रखना सब लोग ठीक है और सी ऑप्शन है कि 12 फरवरी 2023 को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 लखनऊ में संपन्न हुआ बिल्कुल लखनऊ में ही संपन्न होगा जाहिर सी बात है इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो सारा सही है उपरोक्त तो सभी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा है ना याद रखना सारा कथन जो है वो सही है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि अब यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से आप आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो गलत नहीं होगा क्योंकि मैंने ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करा दिया आपको ठीक है अब गलत मत करना पूछेगा कहां पे हुआ था क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था लखनऊ में हुआ था ये हो गया वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके यूपी पुलिस एसआई में कांस्टेबल में पूछ लेगा समझ रहे हो ना इसीलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए ठीक है चलो भाई देख लो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर हुआ था है ना एक तरफ एक तरफ तरफ मोदी जी जी योगी हैं और आपका ये कॉन्क्लेव हुआ था लखनऊ में कहां पर हुआ था आप देख पा लखनऊ में हुआ था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कब हुआ था 10 से 12 फरवरी 2023 यानी कि तीन दिन चला था 10 ग्यारह बारह फरवरी ठीक है याद रखना भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फरवरी दो में फरवरी दो में उत्तर प्रदेश के पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने सभी क्षेत्रों को निर्बाध बिजली प्रदान करने के प्रयासों को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर अपना अन्य राज्यों से कौन सी पहल शुरू की है भाई कौन सी एक इनिशिएटिव शुरू किया इन्होंने तो पावर बैंकिंग शुरू किया इन्होंने ठीक है याद रखना क्या शुरू किया है पावर बैंकिंग शुरू किया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब याद रख लेना आप लोग ठीक है कि कौन सी पहल शुरू करी किसके लिए शुरू की है ना तो ये सब बात याद रखना आपको ठीक है ना पावर बैंकिंग याद रखना आपको अगला सवाल है ना देख पा रहे हो आप लोग ठीक है पावर बैंकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिल्म की पॉलिसी जो उत्तर प्रदेश में आ रही है, है ना को मंजूरी दे दी है इस नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है क्या बताना है कौन सा कथन गलत है ठीक है चलो देखते हैं देखते हैं यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट है कि राज्य में राज्य में अवधि ब्रज बुंदेली भोजपुरी क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी मतलब कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई फिल्म बना रहा है जो फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बन रहा है तो उसमें सरकार ने यह कहा है गवर्नमेंट ने यह कहा है कि अगर आप यूपी के अंदर जो फिल्म बनाओगे ठीक है और उसमें जो लैंग्वेज यूज करोगे अगर अवधि में फिल्म बनाओगे या ब्रज में या बुंदेली में या भोजपुरी में या रीजनल लैंग्वेज में तो आपको 50 परसेंट की क्या दी जाएगी सब्सिडी दी जाएगी यानी कि पैसा दिया जाएगा ठीक है ये बात बिल्कुल ठीक है हिंदी अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में फिल्में बनाने पर पच्चीस फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी ये भी सही है है ना ये भी सही है कि अगर आप किसी भी भाषा में फिल्म बनाते हो तो आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है सब्सिडी मिलेगी ठीक है ये भी सही है राज्य में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए पचास लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी यह भी सही है तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है यानी इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है हमसे गलत पूछा था लेकिन ये तीनों स्टेटमेंट हमारा क्या है सही है ठीक है तो सारे स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है है ना ऑल करेक्ट ऑल ऑल द करेक्ट ठीक है ये सारे स्टेटमेंट सही है तीनों स्टेटमेंट याद रखना सही है यूपी की फिल्म पॉलिसी को लेकर के ठीक है सारे स्टेटमेंट करेक्ट है ना कोई भी गलत नहीं है इसमें ठीक है स्टेट कैबिनेट अप्रूव न्यू यूपी फिल्म पॉलिसी आपने ये न्यूज पेपर की कटिंग है ठीक है हिंदुस्तान टाइम्स की कटिंग है ये चलो <laughs> तो या, याद रखना ठीक है सारे स्टेटमेंट करेक्ट थे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है फरवरी 2023 में देखिए फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी सैन्य अस्पताल बनाने की योजना बनाई गई है भाई है ना याद रखना सैन्य अस्पताल यानी कि एक तरह से जो है बनाया जा रहा है क्या मिलिट्री हॉस्पिटल ठीक है मिलिट्री हॉस्पिटल बनाया जा रहा है स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज को लेकर के ठीक है फरवरी 2023 में तो ये कहां पर बनाया जा रहा है तो आपको बता दू दो जगह पे एक तो मेरठ में और एक हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ठीक है दो जगहों पे बनाया जा रहा है है ना क्लियर है तो कहां पर दो जगह पे मेरठ में भी लखनऊ में भी बोथ ए एंड बी ठीक है समझ पा रहे हो बिल्कुल ध्यान रखना ठीक है ना चलो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है है भाई ना उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को फरवरी 2023 में भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है तो याद रखना भारत के जो नए ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं नाम है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी ये यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से है ये क्वेश्चन है क्योंकि भाई हम यूपी जी पढ़ रहे हैं यूपी का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो यूपी से रिलेटेड हम बात करेंगे तो किस जिले के हैं बताइएगा जल्दी से आप लोग बताओ बताओ भाई सर पीडीएफ मिल जाएगी ना किरण कुमारी जी हाँ बिल्कुल पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा लेकिन आंसर नहीं मिलेगा याद रखना पीडीएफ जरूर मिलेगा सभी को लेकिन आंसर की नहीं मिलेगी क्योंकि आंसर की जो है आपको आ, वीडियो देखना पड़ेगा आंसर की के लिए ठीक है चलो इस प्रश्न का उत्तर होगा बलिया बलिया के हैं भाई ठीक है बलिया के हैं याद रखना सब लोग नेक्स्ट ये है आपके ठीक है देख लो चेहरे से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बाईस फरवरी 2023 को बजट पेश किया याद रखना सुरेश खन्ना वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के ठीक है उन्होंने बजट पेश किया और राज्य के बजट 2023-24 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है तो आप सभी जानते हैं कि बजट से रिलेटेड प्रश्न हमारे पेपर में आता रहता है तो बजट से रिलेटेड एक प्रश्न आपके सामने है और बताएंगे कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा छह दशमलव नौ जीरो लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है ना तो बिल्कुल याद रखना ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है जो पेश किया गया सुरेश खन्ना के द्वारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है है ना 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.5 परसेंट यानी कि चौरासी हजार आठ सौ तिरासी करोड़ रुपए जो है लक्षित है वो बिल्कुल ठीक है सही है ग्राम पंचायत और वार्डो में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए तीन सौ करोड़ रुपए आवंटित किए गए बिल्कुल सही है कि गांव वगैरह में ना डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की बात हो रही है तीन सौ करोड़ में तो सारे स्टेटमेंट सही हैं ऑल द अब करेक्ट प्लीज शेयर चलो भाई क्लियर <coughs> है

यूपी पर्यटन मंत्रालय ने फरवरी 2023 में हेरिटेज होटल में बदलने की मंजूरी दे दी है तो आपको बता दूं कि ये जो आप जगह पढ़ रहे हो ये सारे नाम जो पढ़ रहे हो कि छतर मंजिल रोशन उदौला कोठी कोठी गुलिस्तान ए इरम कोठी दर्शन विलास और फरहाद बख्श है ना ये आपका लखनऊ में है और इसको जो उत्तर प्रदेश की पर्यटन मंत्रालय है इसको होटल में कन्वर्ट इंपॉर्टेंट है ठीक होटल होटल है पेपर तो में, में, पे में कुछ भी आ सकता है आपके तो नाम सारे याद रख लेना सब लोग ठीक है कहां पर है लखनऊ में देखने को आपको ये मिलेगा ठीक है इस तरीके से बिल्डिंग है कुछ है ना होटल में बनाया जाएगा अब ये कौन कौन सी बिल्डिंग है उसका पूरा इतिहास में ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन पीडीएफ में है जो उसके एक्स्ट्रा uh, क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन के दौरान आपदा प्रबंधन के दौरान लोगों को बेहतर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर तक कैसे पहुंचाया जाए याद रखना मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो क्या टिक करना अभी बताया था ठीक है तो आपदा प्रबंधन के दौरान लोगों को बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर तक कैसे पहुंचाया जाए इस पर दूसरा इंडो इजराइल ट्रॉमा कोर्स 24 से 26 फरवरी तक राज्य के किस ट्रॉमा सेंटर में आयोजित किया गया था ठीक है तो देखो यार इतना भारी भरकम सवाल है आपको लगेगा कितना भारी भरकम क्वेश्चन है यार मैंने बताया कि हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे बीएचयू टिक कर देना सबके सब क्या टिक करोगे बीएचयू टिक कर देना सब लोग ठीक है बताया था अभी थोड़ी देर पहले ठीक है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बीएचयू बिल्कुल मनु सहरावत जी अगर इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं पता रहेगा तो भी बीएचयू टिक कर देना सब लोग ठीक है ये तरीका है डेवलप करने का ठीक है याद रखना सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो सब लोग है ना बीएचयू, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन निकाय चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए है ना जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तय करने के लिए गठित यूपी राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने 9 मार्च 2023 को योगी जी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी इस आयोग की अध्यक्षता किसने की है ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है योगी जी को जो मुख्यमंत्री हैं, उनको रिपोर्ट दी गई है जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें जो पिछड़ा वर्ग है अदर बैकवर्ड क्लास है उसके रिजर्वेशन को लेकर के बात हुई है तो इस समिति का अध्यक्ष अध्यक्ष कौन था तो बेसिकली समिति के अध्यक्ष याद रखना राम अवतार सिंह ठीक है नाम याद रखना आप लोग कोई नाम याद रखना है तो राम अवतार सिंह जी इसके अध्यक्ष थे ठीक है याद रखना सब लोग राम अवतार सिंह जी है ना राम अवतार सिंह जी नेक्स्ट क्वेश्चन गोरखपुर में गोरखपुर में क्षेत्रीय फिल्म सिटी की स्थापना के लिए प्रस्तावित निवेश क्या है भाई ठीक है गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का जो एक काफी प्रमुख शहर है गोरखपुर वहां पे रीजनल फिल्म सिटी जो है बनाया जा रहा है उसके लिए कितना जो है है इन्वेस्टमेंट तो पांच सौ करोड़ रुपए ये इन्वेस्टमेंट प्रपोज है ठीक है ये याद रखना सब लोग भाई याद रखना गोरखपुर में भी रीजनल फिल्म सिटी बनाने की बात हो रही है पांच सौ करोड़ रुपए इसका प्रपोजल है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है है ना अगला क्वेश्चन आपके सामने है चलिए स्वच्छ भारत मिशन भाई देखो स्वच्छ भारत मिशन की बात हमेशा होती है है सहरी। सहरी दोर दोर है है ना ना शहरी शहरी स्वच्छ भारत मिशन में डोर 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 टू टू अभियान के तीसरे चरण का उद्देश्य क्या आपने देखा होगा की आप लोग शहरों में अभी कि शहरी क्षेत्रों में डोर टू डोर जो है कूड़ा लेने के लिए गाड़ियां आती हैं है ना गाना गाते हुए ठीक है आपने सबने देखा होगा तो ये जो है इसका तीसरा चरण अभी जो है शुरू हुआ है थर्ड फेज उद्देश्य क्या है तो घर घर बिक्री को बढ़ावा देना ऐसा तो कुछ नहीं भाई बिक्री को बढ़ावा देना नहीं नहीं ऐसा कुछ है भाई लोगों को घर के अंदर रहने के लिए प्रोत्साहित करना यह भी कुछ नहीं है, है ना यह भी कुछ नहीं है बी ऑप्शन गलत कूड़ा अलग न करने वालों और गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाना बिल्कुल यह सही है सी ऑप्शन आपका यहां पर ठीक हो जाएगा ठीक है कूड़ा से रिलेटेड है है ना डोर टू डोर अभियान आपने देखा होगा घर के बाहर तक गाड़ियां लेकिन हो, आप गीला और सूखा कचरा दो गीला और सूखा अगर इसको अलग अलग नहीं करते हो तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है आपको ठीक है ना जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है तो याद रखना सब लोग यानी कि बस बात यही है कि गंदगी मत करिए आप लोग ठीक है गंदगी मत फैलाइए आप लोग आसपास में सफाई रखिए क्लीन रहिए मजा करिए ठीक है सी ऑप्शन करेक्ट होगा है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन योगी आदित्यनाथ से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का पिछला रिकॉर्ड किसके नाम था है ना यानी आपको बता दूं कि लगातार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे लंबे समय तक लगातार की बात करें तो वो अभी योगी आदित्यनाथ जी हो गए हैं उससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था तो ये रिकॉर्ड था डॉक्टर संपूर्णानंद जी के पास ये नाम याद रखना भाई ठीक है ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो गया ठीक है डॉक्टर संपूर्णानंद तो सबसे लंबा कार्यकाल अगर आपसे पूछ रहा है लगातार में तो वो योगी आदित्यनाथ जी का वर्तमान में हो गया है ठीक है उससे पहले पूछे कौन था तो संपूर्णानंद जी थे ठीक है ये नाम याद रख लेना आप लोग ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से ठीक है डॉक्टर संपूर्णानंद जी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर भाई बिल्कुल मनु सहरावत जी डी ऑप्शन करेक्ट है संपूर्णानंद जी ठीक है भाई वीडियो को लाइक जरूर करें वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें ठीक है कोई भी नया बच्चा आए भाई तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना सब लोग ठीक है ना अगला क्वेश्चन सामने है सामने है भाई आ, क्या है हाँ यहां पर देखो जैसा कि प्रदान की गई जानकारी कहा गया क्वेश्चन हाँ हाँ ओके ओके है ना जैसा कि प्रदान की गई जानकारी में बताया गया है उत्तर प्रदेश के लिए संविधान के दूसरे संशोधन है ना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश के माध्यम से क्या विशिष्ट परिवर्तन किया गया था है ना यानी कि उत्तर प्रदेश के जो संविधान उत्तर प्रदेश जो जो है विधानसभा में संविधान संशोधन किया गया है ना अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए तो क्या प्रावधान किया गया है बस यही आपका स्टेटमेंट पूछ रहा हमसे है, है, है ना तो अनुसूचित जाति की सूची में गोंड धुरिया गोंड जनजाति में धुरिया नायक ओझा पठारी और राजगुड़ा को शामिल करना ठीक है भाई अनुसूचित जनजाति की सूची में गोंड धुरिया नायक ओझा पठारी और राजगुंडा को शामिल करना ठीक है भाई कुछ जातियों को अनुसूचित जाति की सूची से हटाना या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक नई श्रेणी का निर्माण करना ठीक है तो ये आपका, की में गोंड, जो गोंड होती है आपका उसमें धुरिया नायक ओझा पठारी और राजगोट को शामिल करना यह प्रावधान किया गया है तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा इसको याद रखना सब लोग ठीक है क्या कह रहे हो नहीं पता था सर कोई बात नहीं चलो अगला सवाल ठीक है आप देख सकते हो ये जो सुप्रीम कोर्ट तो है, है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया विधान भवन जो है बनाया जा रहा है कहां पर एक तो दिल्ली में बना आप सभी जानते हैं जो केंद्र सरकार के, के द्वारा बनाया गया अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है कहां पर तो मैंने बात करा लखनऊ में पर बनाया जा रहा है लखनऊ में भाई लखनऊ में ही तो रहेगा ना है ना क्लियर है इसमें तो साइकिल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सरकार उत्तर प्रदेश के किस प्रभाग में मॉडल पंचायत घरों में

आप लोग यूपी स्टैटिक जीके भी पढ़ते हो यूपी का करंट अफेयर आपको नहीं पता चलता कहां से पढ़े है ना तो इसीलिए मुझे पता था कि आप लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं तो यूपी के करंट अफेयर्स इसीलिए मैंने क्लास लिया है और इसका मैं दो पार्ट लूंगा है ना दो पार्ट में मैं इसको डिस्कस करूंगा सारे को ठीक है ना चलो देखो टेंशन नहीं लेना यार जब तक मैं क्लास ले रहा हूं तो आपको क्वालिटी वाली चीजें मिलेंगी ठीक है तो भरोसा आराम से करो आराम से पढ़ो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का क्या नाम है देखो उच्च न्यायालय के कहा तो गया भैया उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का क्या नाम है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव के लिए सीट आरक्षण पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए आयोग का नेतृत्व किया अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ठीक है तो ये आपका सही उत्तर होगा राम अवतार सिंह ठीक है अभी राम अवतार सिंह जी का नाम आप लोगों ने सुना है ठीक है राम अवतार सिंह जी का नाम अभी आपने सुना है थोड़ी देर पहले तो यही प्रश्न है वो ठीक है ना याद रहना, याद रखना सब लोग ये हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रह चुके हैं ठीक है ना राम अवतार जी ये आपके सामने हैं। ठीक है चलिए वाहन स्क्रैपिंग नीति को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार से कितना मिलना तय हुआ है तो वाहन स्क्रैपिंग नीति को लागू करने के लिए यूपी गवर्नमेंट को केंद्र सरकार से कितना रुपया मिलना तय हुआ है तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है थ्री हंड्रेड करोड़ रुपए ठीक है ये सब याद रख लेना कितना पैसा मिला है ये सब ठीक है ये सब याद करना पड़ेगा इसमें ऐसा नहीं कोई जादू बताऊं मैं आपको ठीक है पढ़ना पड़ेगा आपको तो कितना होगा भाई तीन सौ करोड़ आपका बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ये सब पढ़ लेना वाहन स्क्रैपिंग है ना जो टूटे फूटे वाहन खराब वाहन है उसकी नीति के लिए ठीक है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और उत्तर प्रदेश में नई खेल नीति में कई प्रमुख प्रावधान शामिल है निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिसी का हिस्सा नहीं है ओके okay. कौन सा हिस्सा नहीं है ठीक है आपको ये बताना है तो यूपी में जो खेल नीति है जो आपकी एक तरह से स्पोर्ट्स पॉलिसी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और बताना इनमें से कौन सा जो है हिस्सा नहीं है तो देख लेते हैं स्कूलों में स्कूलों में खेल शारीरिक शिक्षा या योग के लिए अनिवार्य 40 मिनट का जो स्लॉट है वो बनाने की बात हो रही है बिल्कुल ठीक है ये तो ये तो ठीक है भाई ये बात सही है ये खेल नीति में है खेल प्रबंधन हेतु खेल विश्वविद्यालय की स्थापना ये भी ठीक है ये भी ठीक है शीर्ष खिलाड़ियों के लिए दस करोड़ रुपए का फंड ये भी ठीक है ये भी ठीक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के आयोजन के लिए समितियों का सक्रियणा ये ठीक नहीं है है ना डी ऑप्शन हमारा जो है वो ठीक नहीं है यहां पे कहीं भी जो है आपका खेलो यूनिवर्सिटी गेम की बात नहीं करता है यूपी का जो खेल नीति है है ना उसमें कहीं भी खेलो इंडिया गेम की बात नहीं करता है तो दैट इज डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ठीक है याद रखना सब लोग अच्छा क्वेश्चन है ये ठीक है ना देख लो स्पोर्ट्स इंफ्रा इन रूरल यूपी तो यूपी में जो स्पोर्ट्स बना पॉलिसी जो बनाई गई है तो वो सब ध्यान रखना आप लोग ठीक है ना इस तरीके से आपको पॉलिसी बनाई गई है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई एक मिनट कलर का है चेंज हो गया इसी कलर का है चलो भाई झांसी में झांसी में याद रखना है आपको झांसी में भारतीय चारागा और चारागा अनुसंधान संस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किसने किया था तो यह याद रखना है यह उद्घाटन किया था भारत के जो इस समय कृषि मंत्री हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया था ठीक है कहा गया नरेंद्र सिंह तोमर इस प्रश्न का बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा है ना मोदी जी को मत मार देना भाई हर जगह मोदी जी नहीं आएंगे ठीक है नरेंद्र सिंह तोमर होगा हर जगह मोदी जी मोदी जी नहीं होंगे ठीक है ध्यान रखना भाई नरेंद्र सिंह तोमर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नरेंद्र सिंह तोमर यही है है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई निम्नलिखित में से कौन सा नए निजी विश्वविद्यालयों में से एक नहीं है जिसके लिए उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग आशय पत्र जारी करने की तैयारी कर रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज मिसप्रिंट हो गया है तो इस तो प्रश्न को हम लोग गलत ही कहे आगे बढ़ते हैं चलो गलत हो गया था किस ऐप का उद्देश्य संस्कृत सीखने को बढ़ावा देना है अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है है ना कौन सा ऐप है जिसका उद्देश्य संस्कृत सीखने का बढ़ावा देना है और छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा तैयारी मंच प्रदान करता है ठीक है यानी कि भारत का ये पहला ऐसा ऐप है जो संस्कृत में आपको मतलब बताएगा पूरा ऐप संस्कृत में है ठीक है ये पहला ऐप है इंडिया का जो संस्कृत में है पूरा तो वो है आपका शास्त्रार्थ ऐप ठीक है ये याद रखना आप लोग कौन सा ऐप है शास्त्रार्थ ऐप है ठीक है बी ऑप्शन करेक्ट है ये संस्कृत में है ये इंडिया का पहला जो है ऐप है जो संस्कृत में है क्लियर है हाँ जी ठीक है ध्यान रखना कुछ इस तरीके से ऐप आपको देखने को मिलेगा ठीक है ना शास्त्र आता है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ये अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश नई उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति दो की प्रमुख विशेषता क्या है प्रमुख विशेषता क्या है है ना

बारह दशमलव पांच एकड़ जो छोटे शहर होंगे वहां पे न्यूनतम जो कॉलोनी का आकार होगा वो बारह दशमलव पांच एकड़ अन्य शहरों में पच्चीस एकड़ और पैदल यात्री अनुकूल बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित यानी कि बेसिकली पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर भी बात हो रहा है पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलने के लिए जो पुल बनाया जाता है उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन ठीक है ना तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है इस तरीके से पॉलिसी जो है ये पूरी पॉलिसी यहां पर लिखी हुई है इसको पीडीएफ में आप लोग पढ़ेंगे ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कोई आप लोगों का डाउट नहीं है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्या है भाई बाल देखभाल अवकाश सीसीएल सीसीएल क्या है भाई तो चाइल्ड केयर लीव है ना सीसीएल को क्या बोलते हैं देखो बाल देखभाल अवकाश या इसी को बोलते हैं चाइल्ड केयर लीव ठीक है ना जो है के संबंध में अखिल भारतीय सेवा अवकाश नियम उन्नीस में प्रस्तावित संशोधन क्या है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है अखिल भारतीय मतलब आईपीएस तो और आई एफ एस आते हैं ठीक है ये ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत आते हैं आई एस आई आई एफ एस है ना तो अब इनको इनके लिए जो संशोधन हुआ है क्या है तो आपको बता दें कि ये जो है डी प्रश्न आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है ये चाइल्ड केयर लीव से रिलेटेड है विल बी टू इयर्स सेवन थर्टी डेज फॉर सिंगल पेरेंट इंक्लूडिंग मेल गार्जियन ठीक है यानी कि पुरुष अभिभावकों सहित एकल माता पिता के लिए सीसीएल दो वर्ष का है जो होगा एक बात बता इस ये क्या है एक्चुअली देखो कि जो अः जो आई एस अधिकारी हैं या आई पी एस अधिकारी हैं जो आई एफ एस अधिकारी हैं ठीक है ठीके? उनका कोई बच्चा है मान लो है ना कोई बच्चा है ठीक है और वो एकल सिंगल पेरेंट्स हैं वो ठीक है मतलब उनकी वाइफ की डेथ हो गई हो गई ठीक है है ये केवल केवल मेल मेल के लिए के, मेल के लिए लिए ध्यान रखना तो उनके लिए जो है ये दो साल की छुट्टी का प्रावधान उनको दिया जाएगा लीव उनको मिलेगा सरकार की तरफ से चाइल्ड केयर लीव जो नाम है सीसीएल तो दो साल के लिए दो साल मतलब कि सात सौ तीस दिन का लीव उनको मिलेगा और ये मिलेगा अठारह वर्ष तक की आई तक ठीक है ना अठारह वर्ष की आयु तक ये ले, कभी भी ले सकते हैं वो ठीक है तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा देख सकते हो है ना दो साल के लिए और केवल किसके लिए है तो मेल ओनली केवल मेल गार्जियन के लिए याद रखना है ना अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखना सब लोग ये पूरा नोटिफिकेशन है आप देख सकते हो पूरा पेज मैंने लगाया हुआ है इसमें सारी बातें क्लियर कट लिखी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में नई जेलों का निर्माण होगा भाई नया जेल है ना यूपी में यूपी में कहा जेलों का निर्माण किया जाएगा तो आपको याद रखना है अमेठी में महोबा में कुशीनगर में और चंदौली में तो डी और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है ये याद कर लेना सब लोग कहां का नया जेल बन रहा है याद कर लेना सब लोग अमेठी महोबा कुशीनगर चंदौली नोट कर लेना याद रखना सब ठीक है पूछा जा सकता है आपसे पेपर में ठीक है पूछा जा सकता है पेपर में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है दस साल के अंतराल के बाद दस साल के अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश किस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है यानी कि सोच लो के के गैप बाद यूपी जो है वो, जो है है वो मेजबानी कर रहा है किस चीज की तो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार राष्ट्रीय पुलिस ड्यूटी मीट या राष्ट्रीय युवा संसद तो ये हो जाएगा द नेशनल पुलिस ड्यूटी मीट सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है इसकी मेजबानी कर रहा है यूपी अपना दस साल के बाद राष्ट्रीय पुलिस ड्यूटी मीट की मेजबानी कर रहा है याद रखना सब लोग ठीक है देख लो सब नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उन जिलों में नहीं है जहां स्मारकों या स्थलों स्थलों को इस को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत संरक्षित घोषित किया गया है तो कौन सा नहीं है यह आपका लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था 1904 में और यह आगरा जो है वो नहीं है इसमें ठीक है आगरा जो है वो इसमें नहीं आएगा ध्यान रखना आप लोग ठीक है ना आगरा होगा यहां पर देख लो ठीक है तो यहां पर देख लो झांसी डिस्ट्रिक्ट ठीक है यहां पर बात हो रही है आपकी बेसिकली जो झांसी डिस्ट्रिक्ट है इसमें क्या क्या है इसमें ठीक है फिर आपका अदर डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या है सारी बातें पीडीएफ में मिल जाएगा पढ़ लेना वहां से ठीक है ना पढ़ लेना सही से सब लोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ल्ड टीबी के राज्यपाल स्वास्थ्य सचिव या कर्नाटक और शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर है कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर डी ऑप्शन करेक्ट है भाई ठीक है तो ये वर्ल्ड टीबी सम्मिट है याद रखना है आपको और टीबी सम्मिट से रिलेटेड याद रखना कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक तरह से जो है और एक तरह से कि टीबी को खत्म करने का जो लक्ष्य भारत ने रखा है टीबी को खत्म करने का लक्ष्य जो इंडिया ने रखा है वो है 2025 वो है 2025 लेकिन जो ग्लोबल इसका है ग्लोबली इसको खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत वह दो हजार तीस ये याद रखना क्वेश्चन आता है पेपर में ठीक है टीबी को खत्म करने का जो लक्ष्य है भारत का जो लक्ष्य है 2025 और ग्लोबली जो है वर्ल्ड वाइड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत है तो दो है ये याद रखना सब लोग ठीक है और कर्नाटक और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को ये अवार्ड मिला है ठीक है ध्यान रखना अच्छा क्वेश्चन है ये ठीक है इंपॉर्टेंट है अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखना वर्ल्ड टीबी समिट बनारस में हुआ था ये भी याद रखना है ना इस बार का जो 2023 का वर्ल्ड टीबी समिट हुआ था बनारस में हुआ था ये भी याद रखना सब लोग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई उत्तर प्रदेश में पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना की कुल लागत क्या थी जिसमें 520 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां और एक टोल फ्री हेल्पलाइन उन्नीस शामिल थी तो ये सब तो याद रखना पड़ेगा आपको भाई कितना कितना टोटल कॉस्ट हुआ था एनिमल हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल स्कीम पर तो भैया बहुत अच्छा अंक है 201 करोड़ रुपया ठीक है याद रखना कितना 201 करोड़ रुपया याद रखना सब तो ठीक है कोई दिक्कत <coughs> मेजबानी हुई थी बनारस में ठीक है बनारस में हुई थी मेजबानी ज्योति जी क्लियर है वर्ल्ड टीवी समिट का मेजबानी बनारस में हुआ था ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व को संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक सी का दर्जा प्रदान किया है देखो पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका उत्तर प्रदेश में है ये टाइगर रिजर्व है पीलीभीत 2014 में इसको टाइगर आ, रिजर्व का दर्जा मिला था है ना 2014 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था और बेसिकली जो है अः यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन सा जो संस्थान है तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ठीक है यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इसने जो है इसको ये प्रदान किया है ठीक है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका है ना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए है ना इसने प्रदान किया यह अथॉरिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा घोषित भारत सरकार द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दर में हालिया बदलाव क्या हुआ है तो देखो ये मज़... आपका

नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पहल या परिवर्तन दस्तावेजों में की गई घोषणाओं का हिस्सा है बताओ भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है देख लेना सब लोग है ना परिवर्तन दस्तावेज में की गई घोषणाओं का हिस्सा है कौन सी पहल है तो खिलाड़ियों के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा बिल्कुल सही है ये है ना 4000 मेगावाट सौर संयंत्रों के साथ ग्रीन कॉरिडोर टू का विकास ये भी ठीक है है ना छात्रों के लिए मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन बिल्कुल ये भी ठीक है तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपरुक्त तो सभी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द अब है ना याद रखना सारे जो है स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ठीक है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है मजा आ रहा है पढ़ रहे हो ना सही से कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा कोई नया बच्चा जुड़ा है क्लास में क्या कोई नया बच्चा क्लास में जुड़ा है तो भाई एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताए अपनी उपस्थिति को दर्ज कराये अगर कोई भी नया बच्चा क्लास में है तो है ना जरूर बताए और क्लास को अच्छे से इंजॉय करे भाई चलो अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है ए के इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर में अनुज शर्मा और छात्र टीम द्वारा विकसित तकनीक की प्रमुख विशेषताएं और विशेषताएं क्या है, देखो, क्या है? ये आपका अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है एकेटीयू है तो उसके द्वारा जो एक इनिशिएटिव है तो किस पर ये जोर दे रहा है इसकी विशेषता क्या है तो इसे गेमिंग नहीं देखो गेमिंग से रिलेटेड तो नहीं है ना क्योंकि ये क्या है ये तो एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ना टेक्निकल यूनिवर्सिटी है तो बात करेगा तो गेमिंग की तो बात नहीं होगी यहाँ पर यह विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं ये तो भाई टेक्निकल यूनिवर्सिटी है तो वरिष्ठ नागरिक क्या करेंगे उपयोग करता है बिल्कुल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ होगा है ना तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा है ना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा भाई सही है चलो याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दस्तावेज में उल्लिखित चयनित रेलवे स्टेशन के लिए नियोजित सुधार और सुविधाएं क्या है भाई बताओ अच्छा क्वेश्चन है सभी स्टेशनों पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होटल और पार्किंग सुविधाएं अच्छा समर्पित पैदल मार्ग, व्यवस्थित पार्किंग और उन्नत प्रकाश व्यवस्था, ओके। प्रत्येक स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई कार्यकारिणी लाउंज और बिजनेस मीटिंग स्थान सभी स्टेशनों पर भगवान स्वामी नारायण की एक मूर्ति देखो सभी स्टेशन पे नहीं स्वामी नारायण की जो एक मूर्ति है बेसिकली ये छपिया रेलवे स्टेशन पर बनाया जाएगा छपिया रेलवे स्टेशन है वहां पर ठीक है तो ये तो नहीं होगा भाई है ना ये तो नहीं होगा क्योंकि स्वामी नारायण की मूर्ति छपिया रेलवे स्टेशन पे बनाई जा रही है ठीक है तो याद रखना यहां पे होगा कि समर्पित पैदल मार्ग व्यवस्थित पार्किंग और उन्नत प्रकाश व्यवस्था बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ये याद रखना है आपको ठीक है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाई गई परियोजना का नाम क्या है अच्छा क्वेश्चन है याद रखना ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ठीक है यूपी के बनारस में सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के उद्देश्य कौन सी परियोजना बनाई गई है प्रोजेक्ट अलंकार याद रखना है सबको ठीक है प्रोजेक्ट अलंकार ठीक है ना याद रखना सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के उद्देश्य जो है बनारस में जो है इसकी शुरुआत की गई है प्रोजेक्ट अलंकार के नाम से ठीक है ना प्रोजेक्ट अलंकार तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पे अलंकार के माध्यम से सरकारी स्कूलों को क्या किया जाएगा यहाँ पे इनक्रेंस किया जाएगा मतलब वहां पे सुविधाएं दी जाएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को जी टैग प्राप्त हुआ है कितने उत्पादों को जी टैग मिला है तो ये हो गया ग्यारह है ना करंट अफेयर में 11 हो गया है जो है 11 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको मिला है क्या जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं या भौगोलिक संकेत बोलते हैं ऐसा प्रोडक्ट जो उस क्षेत्र की विशेषता के लिए प्रचलित है तो उसको जीआई टैग मिलता है क्लियर है भाई सही है मजा आ रहा अगला क्वेश्चन जीआई टैग ठीक है इसको देख लेना कौन कौन से जीआई टैग मिले हैं यूपी के तो यहां पर जो है इसको देख लेना सब लोग ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई अगला क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़ो सब क्या है विश्वविद्यालय के मूल्यांकन के दौरान एन टीम द्वारा कवर किए गए मुख्य क्षेत्र में कौन से थे ठीक है तो विश्वविद्यालय के मूल्यांकन यानी कि आप देख सकते हैं मेन एरियाज कवर्ड बाय द नेक टीम ड्यूरिंग द इवल्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ठीक है तो बात करें बुनियादी ढांचा और अनुसंधान गुणवत्ता नहीं शैक्षणिक सुविधाएं और छात्र प्रतिक्रिया नहीं प्रशासनिक व्यवस्था नहीं प्रशासनिक व्यवस्था कहां से आ गया है ना देखो शैक्षणिक और अनुसंधान गुणवत्ता प्रशासनिक व्यवस्था और बुनियादी ढांचा डी ऑप्शन ठीक है ना इसमें सारा कुछ गया। सारा कुछ कुछ आ आ गया गया समझ रहे हो ना शैक्षणिक व्यवस्था भी अनुसंधान गुणवत्ता भी प्रशासनिक व्यवस्था भी और बुनियादी ढांचा भी यानी कि सारा कुछ मिला करके जो है वो आपका मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट स्टेप प्रोसेस है ये आपको ध्यान रखना है, है ना चलो अगला क्वेश्चन हथकरघा और पावर लूम स्थापना के लिए क्या सब्सिडी उपलब्ध है तो जो आपका हथकरघा यानी कि जो बेसिकली हैंडलूम है और जो पावर लूम है इसके इंस्टॉलेशन के लिए कितनी सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा रही है सरकार के द्वारा कितनी सब्सिडी मिल रही है जो हथकरघा इंडस्ट्री है और जो पावर लूम इंडस्ट्री है तो हथकरघा के लिए 80 परसेंट है और सब्सिडी और, पाव... <coughs> और पावर पावर और लूम के लिए 60 परसेंट की सब्सिडी है ठीक है ना तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ये याद रख लेना सब लोग कि 80 परसेंट सब्सिडी है किसके लिए हैंडलूम के लिए और 60 परसेंट सब्सिडी है किसके लिए पावर लूम के लिए ये सरकार के द्वारा तो याद रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है है ये ठीक बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये ठीक है ना यूपी गवर्नमेंट प्रोवाइड सिक्सटी परसेंट सब्सिडी टू एस सी एस टी वेवर्स फॉर सेटिंग अप मॉडर्न पावर लूम्स क्लियर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ठीक है मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यादव परिवार का कौन सा सदस्य उनके उत्तराधिकारी के रूप में मैनपुरी से लोकसभा सांसद बना तो आप सभी जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव की जब डेथ हुई और मुलायम सिंह यादव जी मैनपुरी से लोकसभा सांसद थे जब उनकी डेथ हुई तो लोकसभा की सीट हो गई खाली तो उस मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ी थी कौन डिम्पल यादव जी ठीक है कौन लड़ी थी चुनाव डिम्पल यादव जी ठीक है याद रखना डिम्पल यादव जी कौन है ये डॉटर इन लॉ है डॉटर इन लॉ है किसकी मुलायम सिंह यादव की डॉटर इन लॉ थी ठीक है अखिलेश यादव की वाइफ है ना ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी ठीक है चलो डिम्पल यादव है ना डिम्पल यादव यही है नेक्स्ट क्वेश्चन उद्घाटन के दौरान ड्यूरिंग द इनोग्रेशन हाउ मेनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वैल्यूड फॉर थ्री 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 पॉइंट एट फाइव करोड़ उद्घाटन के दौरान तीन सौ तैतीस दशमलव आठ पांच करोड़ रुपए की कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है तो ये हो जाएगा छप्पन छप्पन उद्घाटन है ना छप्पन सिक्स ये याद रखना सबको भाई फिफ्टी सिक्स ठीक है फिफ्टी सिक्स देख सकते हैं आप लोग ये उद्घाटन हो रहे हैं सारे छप्पन नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में किस पार्टी ने अपना क्षेत्रीय दल का दर्जा खो दिया भाई उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है उत्तर प्रदेश में किस पार्टी ने अपना क्षेत्रीय दल का दर्जा खो दिया तो आर ठीक है राष्ट्रीय लोकदल आर एल डी जो आपका जयंत चौधरी की पार्टी है तो क्षेत्रीय दल का दर्जा इन्होंने खो दिया है आर एल डी होगा याद रखना सब लोग ठीक है आर एल डी नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन ठीक है ये करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन और आई होप आप सभी को इस सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे लगे होंगे तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई उत्तर प्रदेश में गेहूं का कुल खरीद लक्ष्य मीट्रिक टन में कितना है तो ये हो जाएगा साठ हजार मीट्रिक टन ठीक है साठ हजार मीट्रिक टन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ठीक है ना तो ये था आज का सेशन ठीक है ये थी पूरी आज की क्लास और आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और जो बच्चे नए हैं क्लास में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठीक है ये आपके यूपी स्पेशल का पार्ट वन हम लोगों ने किया अभी इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे हम लोग है ना वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका सेकंड पार्ट अगर आपको चाहिए क्वेश्चन के तो कल आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, ठीक है, अब नए नए क्वेश्चंस के और मंडे को, को यानी कि कल जो है हम लोग मिलेंगे शाम को छह बजे ठीक है ना तो छह बजे आप लोगों को लाइव रहना है क्लास को आगे बढ़ाना है तैयारी को मजबूत करना है तो अपना सभी ध्यान रखिए अपने माता पिता का ध्यान रखिए एंड अच्छे से पढ़ाई करिए कोई दिक्कत किसी को नहीं ठीक है चलो फिर अच्छे से पढ़ो सब लोग है ना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो अपने हर जगह पे शेयर करो ठीक है ना टेलीग्राम व्हाट्सअप फेसबुक जहां जहां करते हो जो शेयर करो थोड़ा सपोर्ट हमें मिलेगा हमें मोटिवेशन मिलेगा ठीक है चलो तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए सभी को नमस्कार टेक केयर जय हिंद